सिनेमा इज द मेर थ्रू विच वी ऑफन सी आर सेल्व एंड दैट्स वॉट दिस होल चैप्टर इज अबाउट चैप्टर नंबर सिक्स पोएस एंड पैन केक्स बाय अशोक मित्रन फ्रॉम आर बुक फ्लमिंग गो तो एक क्विक्टर के साथ शुरू करते हैं ऑथर का नाम है अशोक मित्रन ये पूरा जो चैप्टर है ना इट्स एन एक्सेप्ट एंड इट्स एन ऑटोबायोग्राफिकल फ्रॉम हिज बुक माय इयर्स विद बॉस और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज की बात करते हैं अशोक मित्र साहब का जो जमेना स्टूडियो में उनका जो टेन्योर रहा जो समय बिताया उन्होंने वो कैसा था कैसे कैसे लोगों के वो अक्रॉस आए और किस तरीके से उन लोगों ने उन उनप इफेक्ट डाला दैट इज ऑल दिस चैप्टर इज अबाउट सो लेट इस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स दैट मेकअप फॉर दिस वंडरफुल वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी अशोक मित्रन साहब इसके बारे में इनके बारे में तो हम जानते ही हैं

ट एक्साइटेड अबाउट द स्टोरी नाउ समरी तो ये जो कहानी है ना ये एक ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है अशोक मित्रन साहब का जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया वायल ही वॉज वर्किंग एट दमना स्टूडियोज शुरुआत करते हैं वो मैंशन करते हुए एक

द मेकअप मेकअप डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू टू हिम हीप्स ऑफ टर्न लुकिंग क्रीचर्स उनके हिसाब से जो ये मेकअप लगाने की प्रक्रिया है ना एक खूबसूरत व्यक्ति को एक बहुत ही बदसूरत अगली लुकिंग क्रीचर में बदल देते हैं क्यों क्योंकि तीन अलग अलग प्रकार के यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट होते हैं एक मेकअप आर्टिस्ट वो होता है जो कि सिर्फ हीरो हीरोइन जो मेन कास्ट होती है उनके ऊपर मेकअप अप्लाई करते हैं उनके बाद एक सबॉर्डिनेट आता है जो कि सेकंड हीरो या सेकंड हीरोइन के ऊपर मेकअप अप्लाई करता है फिर आते हैं हमारे तीसरे मेकअप आर्टिस्ट जो कि ऑफिस बॉय है इन दिस केस जो कि बैकग्राउंड वाले जो लोग होते हैं ना आर्टिस्ट उनके ऊपर मेकअप अप्लाई करते हैं इतना सारा ताम झाम पर अशोक पेत्र आपको इतना तो समझ में नहीं आता स्पेशली वेन गिवन दिस मेकअप ब्रांड ऑफ द पैनकेक अब शॉकिंगली टॉक्स अबाउट द ऑफिस बॉय अब ऑफिस बॉय कौन है पता है वो तीसरा बंदा जो कि थर्ड लेवल ऑफ आर्टिस्ट के ऊपर अपलाई करता है उनके बारे में बताऊं क्यों बात करते हैं क्यों? क्यों वो department काम करता है और उसका काम यही है टू स्लैप पेंट वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड टू स्लैपेंट ऑन द फेस ऑफ प्लेयर एट द टाइम ऑफ क्राउड शूटिंग बट द बिगेस्ट इशू विद ऑफिस बॉय सबसे पहले तो इज नॉट अ बॉय इज अर फोर्टी ईयर ओल्ड मैन और उसको लगता है कि वो एक बहुत अमेजिंग पोएट है एक बेहतरीन एक्टर बन सकता था या फिर एक स्क्रीन राइटर भी बन सकता था मतलब सब कुछ कर सकता था पर 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 सुबह के रहते ना उसके सारे जो भी सपने थे ना वो चकनाचूर हो गए क्यों क्योंकि उसे लगता है सुबह के पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है दैट ही वॉज अ ब्राह्मण

क्राउड सीन शूट होने लगे भीड़ भड़क हो या तो मैं चला जाऊं वहां पे या फिर ऑफिस बॉय चला जाए मतलब किसी भी तरह ऑफिस बॉय मेरे पास ना अपनी कंप्लेन को लेकर बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा यूजली होता नहीं था He was well convinced that the reason behind his misery was Subu. रीजन बिहाइंड Subu was a

मतलब इनका लीगल एडवाइजर बट ये सबसे अलग था बिकॉज ही वॉज अ वेरी लॉजिकल एंड न्यूट्रल मैन रूम फुल ऑफ एंड ड्रीमर्स तो ये और आइडियोलॉजी रखने वाले क्योंकि खादी पहनना बहुत पसंद था वहां पे लोगों को ये आइडियोलॉजी रखने वालों के बीच में एक अलग इंसान था लॉयर जो कि बहुत ही काम और कंपोज था और इसको पता था कि ये पोएट नहीं है अनलाइक अदर्स यू नो और ये सबसे अलग बताऊ क्यों था क्योंकि एक बार क्या होता है एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस होती है जो कि अभी अभी उन्होंने करियर शुरू ही किया होता है वो एक्ट्रेस अपने टेंट्रम यहाँ पर फेंक रही होती है बहुत ही इगोस्टिक होती है तो बाकी सब चिल्ला चोट कर रहे होते हैं उनको शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं पर लॉयर साहब जाते हैं और चुप चुपचाप माइक ऑन कर देते हैं तो साइड में खड़े हो जाते हैं तो जब थोड़ी देर में ठंडी होती हैं वो तो वो माइक की रिकॉर्डिंग को ऑन कर देते हैं और सुनाते हैं सबको कि भैया देखिए मैडम आप क्या बोल रही थी ये जब उसके साथ होता है एक्ट्रेस के साथ तो वो तो तहस नहस हो जाती है बोलती है तोबा तोबा अब तो हम कभी भी भैया इस इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे और अच्छा खास करियर को छोड़ के चली जाती है मतलब इट वॉज द लॉयर्स वे टू डिफ्लेट द इन्फ्लेटेड ईगो ऑफ दिस वेरी टैलेंटेड इन अपन कमिंग एक्ट्रेस उसके बाद वो एक्ट्रेस ने कभी भी कैमरे के सामने आने की जरूरत नहीं की जेमिनाई स्टूडियो में आने की जरूरत नहीं की और ये एक बहुत बड़ा वाक्य था जिसकी वजह से लोगों को बोलते थे यार ये अपन सबसे अलग थलग सा है बट रिमेंबर ही मेड श्योर दैट यू नो थिंग्स वर सेट राइट अशोक साहब उसके बाद एक और चीज की बात करते हैं जब जेमिनाई स्टूडियो को एक मौका मिलता है होस्ट करने का अ ग्रुप ऑफ नियरली टू इंटरनेशनल परफॉर्मर्स जिनका नाम था मॉरल रि आर्मी विच वॉज लेड बाय फ्रैंक बचमन तो ये फॉरन से आते हैं लोग आर ए नाम का इनका एक ग्रुप होता है मॉरल री आमेंट आर्मी जिसको लीड कर रहे होते हैं हमारा फ्रैंक बचमन साहब नाव ये जो थे ना लोग इनकी आइडियोलॉजी थी एंटी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी या फिर एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रखते थे लोग और वो चीज़ उनके पूरे शोज में उनकी स्क्रिप्ट में उनकी स्टोरीज में अच्छा खासा झलकती थी पर इनकी स्क्रिप्ट के बारे में एक और खासियत थी इवन दो उनके जो प्लॉट्स और मैसेजेस थे वो बहुत ही simple से थे complex नहीं थे थे ज़्यादा नहीं पर उनके जो sets और जस्ट इमेजिन एक, एक जमेना स्टूडियो जहाँ पे इतने सारे आर्टिस्ट वगैरह हैं उनको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए कि एक नया परसपेक्टिव दे दे क्रिएटिविटी को लेकर तो वो तो बहुत खुश हो जाएंगे और इतने ज्यादा इंप्रेस हो गए थे जमेनाइ स्टूडियो वाले कि उन्होंने एक बहुत ही फेमस प्ले था उनका जोथम वैली उसके अंदर जिस टाइप का सेट यूज किया था ना सनसेट सेट और सनराइज के लिए वो वाला सेट इन लोगों ने कई सालों तक पूरी तमिल इंडस्ट्री ने कई सालों तक बहुत बार लगातार यूज किया बिकॉज इट वॉज दैट इंप्रेसिव फिर क्या होता है कई सालों बाद हमारे जो बॉस हैं मतलब मिस्टर वासन उनको पता चलता है ए भाई इन लोगों ने तो हमारा यूज कर लिया क्योंकि जब जब ही हमारे पास आए और जब जब इन लोगों ने हमारा प्लेटफॉर्म मांगा लोगों से बात करने के लिए अपने परफॉर्मेंस को करने के लिए तब तब ये लोग एंटी कम्युनिस्ट आइडियाज को भी बढ़ावा दे रहे थे बट वासन साहब ने बोला चलो क्या ही फर्क पड़ता है एम हो नो no एम हो कम्युनिज्म हो नो no कम्युनिज्म हो कोई फर्क नहीं पड़ता द रिलेशनशिप्स पर ऑलवेज देयर स्टडी क्योंकि एज राज कपूर वन सेट द शो मस्ट गो ऑन और ये बहुत ही सीरियसली लिया जाता था बाय द

पर लोग खड़े होके बस सुन रहे होते हैं क्यों क्योंकि बॉस ने कहा है सुनने के लिए क्योंकि किसी किसी को को सिट्टी पिट्टी है किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या है क्यों आया पर बॉस ने बुलाया तो कुछ सोच बुलाया होगा ऐसा सोच रहे होते हैं पर बहुत समय बाद अशोक मित्रन साहब को समझ में आता है कि यार वो स्टीफन स्पेंडर कौन था क्यों जब वो एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन के अंदर अपने आप को एंटर करना चाह रहे होते हैं जो कि यूके बेस्ड एक दी एनकाउंटर जर्नल के अंदर ही होती है वो शॉर्ट स्टोरी बाय द वे और वहां जाके देखते रहते हैं और फटाक से देखते हैं एडिटर इन चीफ की मतलब फटाक से देखते हैं एडिटर स्टीफन स्पेंडर तब उन्हें क्लिक करता है एंड ही इज लाइक एक लॉस्ट ब्रदर मिल गया मुझे तो बड़ी खुशी खुशी वो अपनी स्टोरी वगैरह लिखते हैं महंगा सब पोस्टल स्टैंप वगैरह खरीदते हैं और भेजते हैं और बोलते हैं कि यार जितनी खुशी मेरे को हो रही है ना स्टीफन को भी खुशी होगी जब वो मेरा ये लेटर देखेगा मेरी स्टोरी पढ़ेगा वैसे कौन ध्यान रखता है बट एनी वे हमारे ऑथर को खुशी हो रही है तो होने देते हैं ना तब उन्हें समझ में आता है कि वो स्टीफन स्पेंटो तो बहुत बड़ा आदमी है यार एंड देन वॉट हैपन्स इयर्स लेटर

स्टीफन स्पेंडर और तब जाके बत्ती जलती अशोक मित्र साहब की कि ओ तेरी इसीलिए आए थे स्टीफन स्पेंडर एमआरए भी आया था एंटी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करने के लिए स्टीफन स्पेंडर साहब भी उसी के चलते आए थे वहां पर एंड फाइनली ही इज एबल टू कनेक्ट द डॉट्स इट वाज इन दिस मोमेंट दैट इज विजिट टू द स्टूडियो मेड सेंस टू अशोक मित्रा और इसी के साथ ये पूरी कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे बहुत ही क्विकली ऑफ कोर्स इस कहानी के अंदर और भी डिटेल्स हैं जो कि किताब पढ़ने पे मिलेंगे या फिर हमारी लाइव क्लासेज़ में हम लोग डेफिनेटली इसको डिस्कस कर सकते हैं और अब बारी आती है हमारे ऑथर को जानने की अशोक मित्रन साहब वॉज अ फेमस तमिल राइटर एंड साहित्य अकादमी अवार्ड विनर बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट को याद रखना बार बार मैं कहता हूं कि अगर कभी लगे कि हमारे पास आंसर में लिखने के लिए ज़्यादा मसाला नहीं बच रहा है सो मेक श्योर दैटिंगलींग्लिश और तमिल दोनों में उनकी बहुत ही खासा पकड़ थी इन करियर स्पेनिंग ओवर सिक्स जैकेट एट नॉवल्स ट्वेंटी नॉवेज एंड हंड्रेड ऑफ शॉर्ट स्टोरीफिक राइटर रह चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर वन ट्रक लोड जो नाम है वही काम है बहुत सारा लार्ज अमाउंट दैट कड फिल अ ट्रक मेडन अंग वुमेन एक यंग वुमेन को महिला को मेड इन बोलते हैं

किसी को बता के नहीं कभी कभी होता है ना कि बहुत अच्छा टिफिन लेकर आया चुपचुप के खाना पड़ता कोने में वो है योर ईटिंग योर लंच कोवर्टली इग्नोमिनी इग्नोमिनी पब्लिक शेम और डिसग्रेस अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा तो उसमें शेम 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 करके घंटे बजाते हुए वो वॉक ऑफ शेम कराते ना इग्नोमिनी है वो इग्नोमिनी है वो स्प्रोलिंग स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया कभी कभी आप देखते होंगे बहुत बड़े खेत खलियान जैसे डी, -डी टाइप के ना तो मतलब जिसका होराइजन तक जा रहा है पता नहीं चल रहा है कि एंड कहाँ है सो यू विल कॉल इट अ स्प्रॉलिंग फील्ड डिमीनर डिमीनर का मतलब है मैनर या फिर एटीट्यूड किस तरीके से हम बिहेव करते हैं लोगों के सामने और आखिरी में आता है हैचर लिटराटी लिटरेचर याद रखने का वो व्यक्ति जो कि लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है और बहुत ही अच्छे से एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल भी होता है लिटरेचर के बारे में दोस्त पीपल आर कॉल्ड लिटराटी इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी क्विकली समाप्त नमस्कार